सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल वॉरियर्स चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। मैं दोस्तों, आई वेलकम यू टू माय चैनल मोटिवेशनल वॉरियर्स एंड यस, दिस इज मी प्रियांशी विद यू वंस अगेन। मैं दोस्तों, हर सुबह की जैसे शाम होती है वैसे ही हमारे चैनल में मोटिवेशनल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को कामयाबी तक हम पहुंचाते हैं, और पहुंचाएं कैसे भी, वो सिर्फ उसका ये कारण होता है जब आप अपने ऊपर बिलीफ रखें। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो मैं दोस्तों, मैं सोचा आज कुछ ऐसा मैं टॉपिक लेके आऊँ जिससे आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो। सो मैं दोस्तों, आज का टॉपिक क्या होगा ज़रा सोचिए। जी हाँ, आज का टॉपिक है नो योर टैलेंट। टैलेंट मतलब हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो हमें दूसरों से अलग रखता है। क्या अलग रखता है? टैलेंट। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। मैं आप सभी से दरख्वास्त है, हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना टैलेंट पहचाने, और सबसे पहले ये कारण है कैसे हम अपना टैलेंट पहचान सकते हैं। सबसे पहले, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। बहुत ज़रूरी बात है कि आपको अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। टेक अ पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट लेना पड़ेगा, और उसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि उसमें आ सकता है कि सब, अगर आपके पास अमाउंट है, मनी आपको दिया जाए, तो आप पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च करना आपके अकॉर्डिंग होता है, राइट? तो ये कुछ टेस्ट हैं। जैसे आपको अमाउंट मिले, सैलरी मिले, तो आप सबसे ज़्यादा खर्च क्या करते हो, या अगर आप खर्च नहीं करते हो तो उसे इन्वेस्ट कहाँ करते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें नोट डाउन करोगे तो आपके माइंड में एक ख्याल आएगा कि हाँ, मैं सही जगह अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना मनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। दूसरी, मैं दोस्तों, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपके अंदर बेस्ट और वर्स्ट क्वालिटीज़ कौन कौन सी है। अगर आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं तो वो आप लोगों को बताएंगे, और तब आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके ओवरऑल अपना टैलेंट देख सकते हैं। टैलेंट कभी कभी खूबी होती है, लेकिन इसे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काउंट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो मैं हूँ, लेकिन जब आप मुझे देख रहे हो तो क्या एनालिसिस कर रहे हो। सो मैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द बेस्ट एंड वर्स्ट क्वालिटी अबाउट योर सेल्फ। एंड द लास्ट इज आस्क योर फैमिली। आप अपने परिवार में पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि जब मैं छोटा था तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। एक ऐसी चीज़ होती है जो बचपने में कुछ यादें हम लोग को याद रहती हैं और कुछ यादें हम भूल जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली से ये बात पूछ सकते हो कि मम्मा, पापा, दीदी, भैया, मुझे बताओ, मैं बचपने में मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। सो मैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड माई स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। अब हमने अभी बताया कि हम फाइंड आउट कैसे टैलेंट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, ताकत और टैलेंट कैसे पा सकता हूँ। सो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। टेक सम टाइम टू टॉक टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड एनीवन एल्स दैट यू हैव बीन अराउंड। आप सबसे अच्छी बात होती जब अपने बारे में कुछ जानना हो तो आपके जो सबसे ज़्यादा क्लोज लोग हैं वो आपके बारे में सबसे अच्छा बता सकते हैं कि तुम्हारी कमी यहाँ है, तुम बहुत अच्छे यहाँ हो, तुम्हें ये चीज़ ओवरकम करनी है, तुम्हें ये चीज़ अपनानी है। क्यों? बिल्कुल सही है ना। तो मैं दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो आपके साथ लंबे समय तक लोग होते हैं, लंबे समय का मतलब है बचपने से लेके अब तक, वो आपके बारे में सबसे अच्छा बता सकते, सबसे अच्छी तरीके से आपको जज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, राइट? सो यू आर नॉट सपोज टू फील लो,
एंड यस बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ये मत सोचिए अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वही है, लेकिन आपको अपने ऊपर एनालिसिस करना है आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और टैलेंट क्या है, उससे बाद आपको ये पता करना है। अब हम आते व्हाट आर स्पेशल टैलेंट्स में। दोस्तों स्पेशल टैलेंट्स इज अ स्किल ऑफ अ पर्सन, सम पीपल हैविंग स्पेशल टैलेंट्स ऑन डिफरेंट एरियाज। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान का अलग अलग टैलेंट होता है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। मैं दोस्तों एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो भी कार्य करता है, जो भी काम करता है एट अ टाइम इज अ स्पेशल टैलेंट। हम में से हर कोई ज़रूरी हर काम करता है। YouTube पे कितने लोगों ने हर चैनल बनाए हैं, कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोग अच्छा गा लेते हैं और कुछ लोग अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। तो यही अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, अलग अलग फील्स होते हैं जिसके लिए हम इंडिविजुअल लोग अपने में ही एक खास होते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से भी अपना टैलेंट, स्पेशल टैलेंट ज़रूर से फाइंड आउट करें। मैं दोस्तों अब आप अपनी परफॉर्मेंस, लुक एट योर परफॉर्मेंस रिव्यू। बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो अच्छा जा रहा है या वो अच्छा नहीं जा रहा है, इसे आपको पहचानना है। मैं इतनी देर से बोले चली जा रही हूँ, लेकिन क्या ये फ्रूटफुल है आपके लिए? तो ये तो आप ही बताएंगे मुझे अपने रिव्यू के द्वारा। वैसे ही आपको भी अपने जीवन के लिए, अपने टैलेंट के लिए रिव्यू दूसरों के लेने बहुत ज़रूरी है। सब हम आते हैं, आप कैसे रिव्यू ले सकते हो? आस्क अदर पर्सन फॉर फीडबैक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फीडबैक। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, हर जगह एक स्लिप दे देते हैं ना, फीडबैक दीजिए। तो बहुत ज़रूरी है एक आपको भी अपने लिए एक फीडबैक लेना। टेक अ बिहेवियर टेस्ट। बिहेवियर टेस्ट बहुत सिंपल होता है। कभी कभी वो चीज़ करने की कोशिश कीजिए जो आपकी वीक पॉइंट है। जैसे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ना बहुत से लोग अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बोलने की आदत होती है, चिल्लाने की आदत, उसे आप कंट्रोल कीजिए। सोचिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। तो जब आपको गुस्सा कंट्रोल करना है तो आपको उसके लिए कुछ आइडिया चाहिए होगा। यू कैन बैक काउंटिंग, आप गाना सुन सकते हो, आप मन में कुछ और अपना माइंड यूज़ कर सकते हो, आप अपनी आंखें बंद कर अपना माइंड इन्वॉल्व कीजिए उस चीज़ से। नेगेटिविटी जहाँ भी आए आप अपना माइंड चेंज कीजिए। फोर्थ थिंग, कम्युनिकेशन। मैं दोस्तों कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है जो हमें अपनी पर्सनैलिटी से, हम जैसे बात करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। सो यू ट्राई टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपकी बोली के द्वारा लोग आपको जज करेंगे, तो अपनी बोली को दूसरों से अलग रखिए, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखिए। लिसन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लिसन अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच यू कैन लिसन, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स आई वुड से। एंड यस प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग हो? मैं दोस्तों जब हम लोग छोटे थे, जब एग्ज़ाम्स आते थे बहुत परेशान हो जाते थे, मेरा मैथ्स का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, सो मेरी मम्मी यूज़ टू स्टेयर एट मी लाइक दिस एंड आई वॉज लाइक फिंगर क्रॉस। सो प्रॉब्लम तो यहाँ पे जब बच्चे थे तो था कि मैथ्स का पेपर नहीं आता, उसके बाद बड़े हुए तो लगा कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर और बड़े हुए तब मैं YouTube पे आ गई हूँ। लेकिन मुझे ये विश्वास है अपने अंदर कि मेरे वीडियोस लोगों को ज़रूर से पसंद आते हैं। और आपको मालूम है आधे लोग वो होते हैं जो जानबूझ के मेरा वीडियो लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने लाइक कर दिया तो प्रियांशी तो फेमस हो गई और उन लोग की तो प्रॉब्लम सॉल्व के बजाय और उलझ जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम खुद उसे सॉल्व करो। डायरेक्शन तो बहुत से हैं, लेकिन वो डायरेक्शन चूज करिए मेरे दोस्तों जिसमें आप सक्सेसफुल हो। सो मेरे दोस्तों टैलेंट एक तरीके से आपकी स्किल ही होती है जिसे आपको डेवलप और फिनिश देनी है। अगर आपने ये दोनों चीज़ कर ली तो कामयाबी आपके पास होगी। सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।